आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबर का। एक मासूम ने अपने पिता की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान की कुर्बानी दे दी। सोते समय जब मासूम ने देखा कि उसके पिता के ऊपर जहरीला सांप फन फैलाए बैठा हुआ है, तो मासूम बालक ने अपने पिता की जान बचाने के लिए सांप को अपने हाथ से उठा लिया। सांप जहरीला था, लिहाजा बच्चे को काटने के बाद उसके कुछ ही समय में बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक अरमान के पिता आसिफ मोहम्मद ने बताया कि वह देवलौंद के मगरहता गांव के निवासी हैं। बीती रात हमेशा की तरह पूरा परिवार घर में सो रहा था। बीती रात जब अरमान की अचानक नींद खुली तो देखा कि एक जहरीला सांप उसके पिता के ऊपर बैठा हुआ है। 15 वर्षीय अरमान कुछ समझ नहीं पाया और पिता की जान बचाने के लिए सांप को जैसे ही हाथ से उठाने का प्रयास किया, उसने उसके हाथ को ही डस लिया, जिसके कारण अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। मृतक अरमान के पिता ने बताया कि सांप काफी जहरीला था। जब उसकी नींद खुली तो उसने सांप को तो मार दिया, लेकिन अपने बेटे की जान नहीं बचा पाया। फिलहाल अरमान का शव परीक्षण संजय गांधी अस्पताल में किए जाने के बाद उसके शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। हमारा नाम मोहम्मद आसिफ। हाँ, हमारे बच्चे की मौत हो गई। नाम मोहम्मद अरमान है। उसको सर्प काट दिया हाथ में, मेरे पैर में लपटा था, उसने मेरे को बचाने की कोशिश किया, उसके हाथ में काट दिया। जब मैंने देखा तो सर्प निकला, मारे उसको। मारने के बाद उसको देखा तो नमक वमक खिलाया। नमक खिलाने के बाद झारा हो रहा, झारने के बाद कहा है कि सही रह गया, रोता रह गया कि जलता है। मैंने कहा सकार हो जाए तो गाड़ी मंगवाऊँ, लेके जाऊँ, दवाई की सूजी लगवा देंगे, बेटा ठीक हो जाएगा। रिवर लेके आए, यहाँ पहुँचे, ख़त्म हो गया। ये मगरदहा बुढ़वा मगरदहा थाना देलौन तहसील बिहारी। हाँ, हमारे साथ सो रहा था। हमारे चार बच्ची एक बच्चा। हाँ।